नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और triple.com पर आप देख रहे हैं बिजनेस और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जबलपुर में अपनी ब्रांच को ट्रांसफर किया है। इस ब्रांच का उद्घाटन विपिन भंडारी, जोनल हेड ईस्ट और वैभव देश पांडे रीजनल हेड ने किया। इस समारोह में जोनल हेड विपिन भंडारी ने कहा कि कार्यालय ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाने के हिसाब से ही बनाया गया है। साथ ही मार्केट में आगे विस्तार और स्थानीय बाजार में विस्तार में भी यह ऑफिस सहायक होगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के एम्बिट परियोजना के विस्तार की घोषणा की है। GPL ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों के उन्मूलन के लिए इस परियोजना को बढ़ावा दिया है। हम आपको बता दें कि GCPL ने दोनों राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने की भी घोषणा की है। GCPL ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विवेक गंभीर ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी को हमने हमेशा ही गंभीरता से निभाया है। अप्रैल 2016 में एम्बिट परियोजना शुरुआत करने के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हमने काम करना शुरू भी किया था। आगे भी हम प्रतिबद्ध हैं देश से मलेरिया को भगाने के लिए। सोनी टीवी के शो जीजा जी छत पर हैं में इन दिनों इलायची खूब सपने देख रही है और उसके सारे सपने पूरे भी हो रहे हैं। अब इलायची ने कुछ ऐसा खतरनाक सपना देखा है जिसमें मुरारी पंचम के पीछे चाकू लेकर भाग रहा है और यह सुनकर पंचम बेहद डरा हुआ है और इलायची के पापा से दूर भाग रहा है। इन्हीं सब के बीच में इलायची को एक ऐसा सदमा लग जाता है जिससे वो पूरी याददाश्त भूल जाती है और वो बच्चों की तरह बिहेव कर लेती है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इलायची नाटक कर रही है या वाकई उसकी याददाश्त जा चुकी है। इस बारे में हिबा नवाब का कहना है कि इलायची के पास अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे टोने टोटके और तरीके हैं, लेकिन ये तरीका उसका है या वाकई उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उन्हें ये ट्रैक करने में बहुत मजा आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर के पीछे की हकीकत जानने के लिए बने रहिए triple.com पर।